सम्मानित सदस्यों ने इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान बस हिस्सा लिया है, लेकिन कंक्लूडिंग रिमार्क जो इस पर होगा वो हमारे सहयोगी किरण रिजू के द्वारा होगा। लेकिन मैं केवल इतना ही इंटरवीन करने के लिए इस बीच खड़ा हुआ हूँ कि सम्मानित सदस्यों ने विचार करते समय इस बिल पर यह कहा है कि ऑर्डिनेंस रूट को अख्तियार करने की जरूरत क्यों पड़ी है। यह बिल के रूप में लाया गया होता और संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा हुई होती, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। वैसे इसके पहले भी मैं बतला चुका हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक कमिटमेंट था जब वहां गए थे यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में, तो उस कारण यह किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्बिट्रेरली इसको बोल दिया, मनमाने तरीके से वहां पर बोल दिया, बल्कि एक ऐतिहासिक तिथि को ध्यान में रखकर तब उन्होंने यह आश्वासन दिया था। शायद हमारे सम्मानित सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि महात्मा गांधी एक हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं और लंबे समय तक दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में रहते हुए सर्वाधिक समय उन्होंने कहीं पर गुजारा था तो साउथ अफ्रीका में गुजारा था, और साउथ अफ्रीका से वह लौटे थे तो 9 जनवरी 1914 को वह भारत लौटे थे। वह भी एक प्रकार के प्रवासी भारतीय थे, तो वह 100 साल पूरा हो रहा था 9 जनवरी 2015 को। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अगला प्रवासी भारतीय दिवस जब भी भारत में होगा तो उस अवसर पर आप लोगों को, आप लोगों की जो मांग है कि ओसीआई और पीआईओ इन दोनों को मर्ज किया जाना चाहिए और सबको ओसीआई कार्ड होल्डर बनाया जाना चाहिए, तो यह सुविधा मुकम्मल तौर पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और गांधीनगर में यह प्रवासी भारतीय दिवस 7, 8, 9 जनवरी को था, और 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी के वह 100 वर्ष पूरे हो रहे थे जब वह भारत में पहुंचे थे, और 9 जनवरी 1914 को भारत में आने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई है, मैं समझता हूं कि जितने भी सम्मानित सदस्य यहां पर बैठे हैं सहज रूप से सभी सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल को भारत की राजनीति में एक नया डायमेंशन देने का काम यदि किसी ने किया था तो वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। इसीलिए उस तिथि का चयन किया था। एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि यह तीसरा सत्र चल रहा है नई सरकार का, यह नए सदन का, पहले में क्यों नहीं लाए, दूसरे में क्यों नहीं लाए। पहले में लाने का तो सवाल नहीं था क्योंकि सत्र बहुत ही छोटा था और उसमें साथ ही साथ एक बजट भी प्रस्तुत करना था। दूसरे में क्यों नहीं लाए, दूसरे में ही यह लाया गया था दिसंबर में, लेकिन दिसंबर में समयाभाव होने के कारण यह पारित नहीं हो पाया। इसलिए तत्काल इसे तीसरा सत्र इस सदन का प्रारंभ हुआ है उसमें यह लाया गया। ऑर्डिनेंस जारी करने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि यह कहा जा चुका था कि जिस समय महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से भारत में आने के 100 वर्ष पूरे होंगे उसी समय उस समय तक आपको यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तब तक सदन नहीं था प्रचलन में, सदन की कार्रवाई नहीं चल रही थी, इसलिए ऑर्डिनेंस जारी करने की आवश्यकता पड़ी है। बट मुझे इतना ही अनुरोध करना था।